तो दोस्तों वीवो बहुत जल्द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है और इस स्मार्टफोन में आपको अंदर की तरफ से पूप ऑफ फ्लाइंग ड्रोन कैमरा मिलेगा जो कि फोन के अंदर से बाहर निकलकर आपकी फोटो और वीडियो कैप्चर करने में मदद करेगा। इस ड्रोन कैमरे में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जिससे आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अल्ट्रा रेजोल्यूशन में आप फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। और फोन में पावर देने के लिए आपको 6000 mAh का बिग बैटरी का सपोर्ट दिया गया है, 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपको कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन का 765G का प्रोसेसर मिलता है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अगर आप हेवी यूजर हैं, अगर गेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, हाई ग्राफिक्स वाले गेम को खेलते हैं तो यहाँ पर आप स्मूथलेस पर खेल पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग ड्रोन कैमरे फोन के बारे में, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों ये वीडियो कॉन्सेप्ट एंड प्रिडिक्शन पर बेस है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस E3 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि दोस्तों 120Hz के हाई रिफ्रेश के साथ आता है। फोन में आपको दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही में आपको फ्रंट और बैक पर गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 200 मेगापिक्सल का पॉप अप ड्रोन कैमरा मिलता है जो कि दोस्तों पॉप अप होकर ड्रोन जो है बाहर निकलता है और आपकी फोटो और वीडियो कैप्चर करने में मदद करता है। इसके आप साइज पे मत जाइए ड्रोन की, इसमें बहुत क्षमता देखने को मिल जाती है आपको। इस फ्लाइंग ड्रोन से आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप हाईली एंगल से फोटो और वीडियो कैप्चर भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस फोन को पावर देने के लिए 6000 mAh का बैटरी का यूज किया गया है। तो इसमें दोस्तों बैटरी इसलिए बड़ी दी गई है क्योंकि जो ड्रोन कैमरा है वो भी चार्ज होता है इसके अंदर। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बैक साइड के कैमरे की। तो यहाँ पर आपको 64 MP का कोड ईयर कैमरा मिलता है। यहाँ पर दोस्तों सोनी का सेंसर का यूज किया गया है, इससे आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 5 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के OS एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन का 760G जो कि 5G को सपोर्ट करता है। ये एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है जो कि 2.4 GHz पर क्लॉक है। अगर आप हेवी यूजर हैं, गेमिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और बाकी जो हाई ग्राफिक्स वाले गेम है वो आप यहाँ पर स्मूथली खेल सकते हैं और साथ ही में आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों फन टच OS देखने को मिलता है जो कि दोस्तों वीवो की तरफ से एकदम आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको फोन जो है वो एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में आपको 2 रैम वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8GB 128GB और एक 12GB 256GB के साथ। और यहां पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट का सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरी मिलेगा, 65W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा। बात कर लेते हैं डिजाइन की। तो दोस्तों आपको बैक साइड पर लेदर बैग देखने को मिलता है। डिजाइन काफी प्रीमियम है, मतलब जो वीवो का X60 सीरीज है उससे देखने को मिलता है आपको, बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। डिजाइन आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। बैक साइड पर आपको कोड ईयर कैमरा मिलता है, वहीं LTEC का सपोर्ट है और नीचे की तरफ आपको वीवो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो 50,000 से 70,000 रुपए के प्लस जा सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है। बात करते हैं लॉन्च डेट की। तो दोस्तों बताया जा रहा है ये 2022 में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट फोन है, मतलब वीवो की तरफ से इसको पेटेंट किया गया है चाइना में। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट फोन है, ये आ सकता है डेफिनेटली क्योंकि ये दोस्तों जो कैमरा का जो डिजाइन किया गया है, मतलब आपको देखा गया कि जो वीवो है वो न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करता है, वीवो और ओप्पो। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आप इस फोन के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा।